ईश्वर की कृपा से, प्रभु अनुकंपा से जीव का कल्याण होता है। लेकिन कोई ईश्वर की कृपा का पात्र बन सके ये संभव कैसे है? इसलिए भगवान कहते हैं, संदर्शी मोहे कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति से। यूं तो मैं समदर्शी हूं, सबके लिए बराबर हूं, लेकिन सेवक मुझे विशेष रूप से प्रिय है। जो प्रभु सेवा में है, जो उनके नाम कीर्तन में, उनके ज्ञान के प्रचार में, जो व्यक्ति लगा हुआ है, वो उनका सेवक है। इस संपूर्ण संसार को जो इस संपूर्ण संसार में ईश्वर के कार्य हेतु जो कार्यरत है, संसार में समरसता लाने हेतु, शांति लाने हेतु जो प्रयासरत है, वो प्रभु का सेवक है, जो प्रभु कार्य में लगा हुआ है। उनके लिए भगवान ने कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम, सोई मम अनुशासन माने हुए। सोई सेवक प्रियतम मम, सोई वो मेरा प्रियतम है, और सब मुझे समदर्शी कहते हैं। समदर्शी मोहे कह सबको, सब कोई समदर्शी कहता है, लेकिन मैं उनको विशेष प्रेम करता हूं जो सेवा में रत है, जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए सेवा में लगना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी जीव का। किसी जीव का के लिए, किसी व्यक्ति के लिए सेवा में लगना बहुत बड़ा सौभाग्य तो होता है, लेकिन सेवा की समझ, सेवा को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सेवक की महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सेवक की महिमा गाई। एक सेवक के जीवन में अगर किसी ने सेवा की, अगर किसी का नाम आता है सेवा के विषय में, तो बजरंग बली का नाम आता है। उन्होंने अद्भुत सेवा की, अद्भुत। ये जो अद्भुत सेवा है, इसको समझना इतना सरल नहीं है। बहुत उच्च कोटि का कोई साधक हो तो समझ सके, क्योंकि व्यक्ति भविष्य को लेकर, प्रकृति को लेकर ही संशयग्रस्त होता है। लेकिन सेवक का जीवन, वैसे तो उसका कोई जीवन क्या, वो तो समर्पित जीवन है। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर बात कही, किसके लिए? बजरंग बली के लिए। उन्होंने कहा कि स्वामी के सेवक बड़ो, स्वामी से सेवक बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है? जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधि, लांग गयो हनुमान। जिस समुद्र को पार करने के लिए, जिस
जिस समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम को पुल बांधना पड़ा, हनुमान जी ऐसे ही लांग गए, उनको पुल नहीं बांधना पड़ा। नाम की महिमा है। और हनुमान जी ऐसे सेवक, ऐसे सेवक कि कभी राम जी ने बुलाकर उनको कोई आज्ञा दी हो कि हनुमान ये काम करना है, जरूरत नहीं पड़ी। क्या करना है हनुमान जी को पहले से पता होता था कि ये काम करना है, ये उचित है, चारों तरफ से देखते थे। इसलिए कहा हम बजरंग बली को, क्या कहा, विद्यावान गुणी अति चाचा राम काज करीबे को आत्मा। ये भक्त की पहचान। लोग समझते हैं कि भक्त कौन, भक्त मतलब उसको एक थप्पड़ मार दो तो चुपचाप सह ले। अगर हनुमान जी को एक थप्पड़ मार दे तो क्या करेंगे? इसलिए बजरंग बली ऐसा नहीं कि वो भी किसी को मार देंगे, लेकिन विद्यावान गुणी अति चाक्षा, चतुराई उनके अंदर है, विद्यावान है, गुण है, जो इस सब से, सत्य तो यह है जिसके अंदर भक्ति आएगी वो इन सब चीजों से संपन्न हो जाता है, वो विद्या से संपन्न हो जाएगा, गुण से संपन्न हो जाएगा, चतुराई से संपन्न हो जाएगा, जो प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलेगा स्वतः ही अपने आप वो इन सब चीजों से संपन्न हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता समझने की है, आवश्यकता साक्षात्कार की है, किसी कार्य को करना और किसी कार्य को विवेक से करना, समझदारी से करना, किसी कार्य को कम लागत में कर देना, कम समय में कर देना, वो सेवक का कार्य है। इसलिए सेवक अपनी सेवा का प्रदर्शन नहीं करता, वो तो बस अपना कार्य करता है और उसके द्वारा हो जाता है जो करने की इच्छा रखता है, अन्यथा मनुष्य संपूर्ण जीवन एक झूठी जिंदगी जीने में लगा रहता है, हर मामले में, समाज के सामने झूठा, भगवान के सामने झूठा, प्रभु के सामने झूठा। भक्त दिखना चाहता है, भक्त बनना नहीं चाहता, उसकी समस्या यही है, दिखना चाहता है, लेकिन बनना चाहे भक्त तब जाकर कुछ बात बने, तब जाकर कुछ बात बने। इसलिए संसार की नजरों में भक्त बनना आसान है, भगवान की नजरों में भक्त बनना इतना आसान है। दुनिया हमें भक्त मान ले ये बहुत सरल काम है, लेकिन प्रभु हमें हमारा भक्त, अपना भक्त स्वीकार कर ले, भगवान हमें हम अपना भक्त स्वीकार कर ले, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है। क्योंकि जब वो किसी को भक्त बनाता है तो उसे संपूर्ण कर देता है, सारे गुणों से, सारे ऐश्वर्य से। अब ऐश्वर्य क्या है? रुपया पैसा ऐश्वर्य है? कभी शास्त्र पढ़े ऐश्वर्य किसे कहा है? ऐश्वर्य किसके पास था? हनुमान जी के पास ऐश्वर्य था। ऐश्वर्य का मतलब दौलत शोहरत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। शास्त्रों के अंदर जिसे ऐश्वर्य कहा गया है उसे कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जिसके पास नौ निधियां अष्ट सिद्धियां हो वो ऐश्वर्यवान है। वो तो योग से आएगा, वो तो साधना से आएगा, वो तो तपस्या से आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। इसमें प्रभु का ऐश्वर्य है क्या? भगवान का ऐश्वर्य,
प्रभु ऐश्वर्य दे दे किसी को जो सेवक में रहता है, उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसे अपने आप मिलता है। लेकिन सेवा करते हुए भी विवेक का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति करने कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। ये मार्ग इसलिए ऐसे नहीं रह गया। उपनिषदों ने कहा कि छुरस्य धारा, भक्ति का मार्ग कैसा है, भक्ति का मार्ग कैसा है, छुरस्य धारा, छुरी के धार के समान। कोई छुरी के धार कितनी पतली होती है, उस पर चलने के बराबर ये ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग होता है। क्योंकि भक्ति करते करते व्यक्ति कुछ और ही करने लग जाता है, और होने लग जाता है, कब इधर हो गया कब उधर हो गया पता ही नहीं चलता। इसलिए इसे कठिन कहा। लेकिन वही प्रभु की कृपा हो, प्रभु के नाम और सुमरण से व्यक्ति जुड़ा हो, तो विवेक जागृत रहता है और विवेक से चल पाता है। क्योंकि यह विवेक का मार्ग है, विवेक बड़ी सूक्ष्म वस्तु है, यह विवेक का मार्ग है। बिनु सत्संग विवेक ना हो, ये राम कृपा बिनु सुरत ना सक। इसलिए भगवान का स्तुति गान, उनका सुमरण, उनकी एकाग्रता उनके नाम में, उनके सुमरण में एकाग्रता बनी रहे तो समझिए कि जीवन का कल्याण है, अन्यथा जीवन बीत रहा है और बीत जाएगा, व्यर्थ बीत जाएगा। दिन मपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात काल कृति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिन मपि रजनी सायं प्रातः, सुबह होती थी शाम होती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। यह जीवन कैसा है, जैसे काल देवता का तांडव नृत्य हो, काल देवता का तांडव नृत्य हो, जैसे जैसे वो नृत्य करते हैं वैसे वैसे जीवन बीत जाता है। जीवन बीत जाता है, जीवन का एक एक पल बीत रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, काल की ओर बढ़ रहा है, खत्म हो जाएगा समय, बीता हुआ समय कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए हे मन, तो गोविंद का भजन कर, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोमते, गोविंद का भजन कर। इसलिए ऐसा उपदेश संतों ने दिया, प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन।